हाय एवरीवन, ये मैप जो है माइका का है। माइका जो है एक सिलिकेट मिनरल ग्रुप को बिलोंग करता है। इसका जो है अपडेटेड मैप दिया है मैंने कि कहाँ पे जो है इसकी रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है, प्रोडक्शन में, रिजर्व्स में, अलग अलग मैंने रैंकिंग बताई है। और इसमें जो है अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं जो प्रोडक्शन में हैं, या टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं जो रिजर्व्स में हैं माइका की। इसके अलावा जो है कौन कौन से टाइप्स के माइका जो है इंडिया में ही मिलते हैं सिर्फ, और टोटल रिसोर्सेज में जो है माइका जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है स्टेट वाइज, ये भी मैंने जो है इसमें मेंशन किया है। इसमें जो है दो मैंने और भी इस प्लेसेस में मेंशन करी हैं, जैसे कि गया जो है बिहार का, ये भी थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पे रिजर्व्स पाए जाते हैं। और जो है कजनगांव जो है झारखंड में, इसमें यहाँ पे भी थोड़े बहुत रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो मैंने वो भी इसमें मेंशन कर दिए हैं। अब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, टॉप कंट्रीज़ कौन सी है रिजर्व्स में। इंडिया रैंक 1 पर आता है माइका के रिजर्व्स में, सेकंड नंबर पे है यूएसए, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में जो है टॉप रैंक पर है चाइना, देन यूएसए, देन मेडागास्कर। चाइना, यूएसए, मेडागास्कर, इंडिया नहीं आता है। रिजर्व्स में जो है इंडिया रैंक 1 पर आता है, रैंक 1 में रिजर्व्स में आता है। और साथ में मैं ये भी बता देती हूँ, माइका जो है सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है। इसके अलावा जो है इंडिया में जो माइका की शीट्स मिलती हैं वो बहुत ही लार्ज साइज़ की होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी शीट्स मिलती हैं, और यूएसए में जो है थोड़ी स्मॉल शीट्स मिलती हैं। ये भी एक पॉइंट है नोट करने वाला। इसके अलावा जो है माइका के जो कुछ जितने भी टाइप्स हैं माइका के, जैसे ब्रिटल माइका हो गया या और भी कई तरीके के टाइप्स होते हैं, उसमें जो है सिर्फ 3 टाइप के माइका जो है सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। ये है मस्को वाइट, जिसे हम वाइट माइका कहते हैं, लोगोपाइट जो कि एम्बर माइका है, और थर्ड है बायोटाइट, ठीक। आउट ऑफ टोटल रिसोर्सेज ऑफ माइका इन इंडिया में जो है आंध्र प्रदेश लीड करता है 41% के साथ, सेकंड नंबर पे है राजस्थान, और थर्ड नंबर पे है उड़ीसा। राजस्थान 28% कंट्रीब्यूट करता है माइका रिजर्व्स में, और उड़ीसा जो है 17% कंट्रीब्यूट करता है। आंध्र प्रदेश में एक जगह पर मिलता है जो है नेल्लोर, ठीक। राजस्थान में जो है बीवर और अजमेर में मिलता है। उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत ये जो है थर्ड रैंक पर आता है। इसके अलावा जो है अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए कि माइका का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है माइका का, तो माइका जो है नॉर्मली जो है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ओपेक होता है, और थोड़ी सी इसमें एब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये कॉस्मेटिक्स की कंपनीज में, कॉस्मेटिक कंपनी में, और जो है पेंट की कंपनीज जो है वहाँ पर काम आता है। कैसे, कॉस्मेटिक्स में जो है इसको ग्राउंड माइका जो है वो जो है आपके जो है आई लैशेज़ में, और ये आपके आई शेडोज़ में, ब्लशेज में, लिपस्टिक्स में, लिप ग्लॉस में, और नेल पेंट्स में, नेल में जो ग्लिटर टाइप के जो नेल पेंट्स आते हैं वहाँ पर ये काम आता है। इसके अलावा ये कई टूथपेस्ट कंपनीज में, टूथपेस्ट में जो है एज एन एब्रेसिव प्रॉपर्टी की, एब्रेसिव इसका काम होता है, एब्रेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें जो है, इसी वजह से जो है टूथपेस्ट में भी इसका काम करता है। एब्रेसिव का मतलब ये है कि जैसे सैंड पेपर जो है आपने देखा होगा, जो अगर आप किसी से आयरन रॉड पे जो है आप उसे घिसेंगे, उसे रब करेंगे, तो वो सैंड पेपर की जो वो जो हटाता है, वो जो जंग रस्ट को हटाता है, उसे ही एब्रेशन का नाम दिया गया है। तो इसी वजह से ये टूथपेस्ट में काम आता है। तीसरा जो है पेंट्स में काम आता है। पेंट्स में जो है पर्ल सेंट जो फिनिश आती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में जो है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में जो पेंट्स यूज़ होते हैं वहाँ पे जो है उस पेंट में जो है पर्ल सेंट फिनिश लाने के लिए काम आता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ भी मिक्स करके कई बार इसे पेंट में जो है मिक्स किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको